नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जुलाई और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कर्नाटक के बुनकरों को योजना का शुभारंभ किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में 19744 हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत 10.96 करोड़ रुपए आवंटन किए जाएंगे। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक पुस्तक लिखी। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जुलाई 2020 में एक किताब जारी करेंगे, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। शीर्षक वाली यह किताब गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPS मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल ही में वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसके कारण और इसके निपटने से RBI के गवर्नर के रूप में पटेल के प्रयास। इतालवी संगीतकार एनियो मोरिकोन का निधन। जुलाई 2020 में ऑस्कर विजेता इतालवी संगीतकार एनियो मोरिकोन को निधन हो गया। उनका कैरियर दशकों तक चला और 2007 में उन्हें लाइफ टाइम ऑस्कर मिला। मोरिकोन ने हॉलीवुड और इटली में कुछ शीर्ष निर्देशकों के साथ सहयोग किया। इसमें ब्रैंडी पाल्वा द्वारा द अनटचेबल्स, क्वेंटिंग टारेनेटो द्वारा द हेटफुल एट और गिलो फोरेटो द्वारा द बैटल ऑफ द अल्जीयर्स शामिल है। नाम क्या था इनका? इतावली। वेंकैया नायडू ने सुपर ऐप इलाइमेट्स लॉन्च किया। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन इलाइमेट 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। ऐप में 1000 से अधिक IT पेशेवरों द्वारा बनाया गया है। इस उपभोक्ता को गोपनीयता को प्राथमिकता के साथ बनाया गया है। डेटा को भारत में सृजित किया गया है। इसमें उपयोगकर्ताओं को सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। तुर्क हागिया सोफिया को एक मस्जिद में प्रवृत्त करेंगे। इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने के लिए तुर्की की सर्वोच्च अदालत बुलाई गई। 1500 साल पुरानी संरचना, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मूल रूप से एक गिरजाघर थी जिसे मस्जिद में बदल दिया गया। आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने। तमिलनाडु के जी आकाश देश ने 66वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने, जबकि उन्हें राज्य के खिलाड़ी एस प्रवेश और गोवा के अमेया आडी के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए। हाल ही में वो भारत आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश ने GS खिताब की पुष्टि की है। उन्होंने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। लॉन्च की गई लद्दाख की ग्रीन हाउस परियोजना। उपराज्यपाल RK माथुर ने राज निवास लद्दाख में लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को मिशन को ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसका पूरा फुल फॉर्म का है किसका इसका संयुक्त रूप है मोदी को ई लॉन्च किया। 2019 में LAHDC ले द्वारा शुरू की गई परियोजना मोदी जैविक उत्पादन को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है। SDS सूचकांक में बांग्लादेश 7 स्थान ऊपर चढ़ा। बांग्लादेश वर्ष 2020 में के लिए नवीन सतत विकास सूचकांक में 7 स्थान ऊपर चढ़ा है। उन 146 देशों में से SDS सूचकांक तैयार किया गया। बांग्लादेश वर्ष 2019 में 116 में स्थान की तुलना में 109 स्थान पर पहुंच गया। स्वीडन को 87.7 के समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर रखा गया, जब बांग्लादेश 60.35% है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का 117वां नंबर है। विश्व जूनोसिस दिवस 2020 6 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 4 साल 6 जुलाई को मनाया गया। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों में फैलता है। 6 जुलाई 1885 फ्रांसीसी जीव विज्ञान लुईस पाश्चर द्वारा सफलतापूर्वक एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण बनाने के लिए हर साल विश्व जूनोसिस दिवस के आयोजित किया जाता है। IIT हैदराबाद के अनुसंधान सेल स्थापित करेगा DRDO। DRDO ने भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IIT हैदराबाद के एक रिसर्च सेल स्थापित करने जा रहा है। DRDO IIH रिसर्च सेल्स चिन्हित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करेगा। 3 जुलाई 2020 को इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार विश्व बैंक में $550 मिलियन का अनुबंध किया।
सरकार और विश्व बैंक में MSME आपातकालीन प्रक्रिया को कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते को हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य MSME को वित्त के बढ़ावा प्रवाह को समर्थन करना जो COVID-19 संकट में गंभीर रूप से प्रभावित है। बच्चों को अनाज देगा बिहार। बिहार सरकार ने राज्य भर में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 2 करोड़ से अधिक बच्चों को तालाबंदी और गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज और नकद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मई जून जुलाई 2020 तक कक्षा 5 के प्रत्येक छात्र को 6-8 किलो का खाद्यान्न और 358 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 8 तक के छात्रों को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपये मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में पहली बार प्लाज्मा बैंक। पश्चिम बंगाल में COVID-19 रोगियों के उपचार के लिए पहली बार प्लाज्मा बैंक कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लाया। इसका अलावा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कोलकाता में संक्रामक रोग अस्पताल को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया गया। पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिए ई पंजीकरण। पंजाब में राज्य के सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दी गई है। यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने के लिए कोवा ऐप के माध्यम से या राज्य सरकार के आधिकारिक वेब लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। ई पंजीकरण का उद्देश्य सीमा में चौकियों पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को किसी भी तरह से असुविधा से बचना है। दरबार मूल कार्यालय को औपचारिक रूप से खोला गया। जम्मू और कश्मीर में दरबार मूव कार्यालय को औपचारिक रूप से 6 जुलाई 2020 से श्रीनगर में खोला गया। दरबार मूव पहले मई 2020 में शुरुआत में श्रीनगर में खुलने वाला था। आयुर्वेद ने कोरोना रोगियों को ठीक किया। कर्नाटक के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर गिरिधर काजे ने बेंगलुरु में COVID-19 इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं को नैदानिक परीक्षण किया। ट्रायल को बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज की एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दी है। वह विक्टोरिया COVID-19 अस्पताल में 10 कोविड पॉजिटिव रोगियों को किया गया आयुर्वेदिक की गोलियों का क्लिनिकल ट्रायल कारगर साबित हुआ। वॉल्टेरी वोल्टास ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री जीता। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री मर्सिडीज के वॉल्टेरी वोल्टास ने जीत दर्ज की। फरारी के चार्ल्स लेक्लेर ने दूसरा और मैक्स लेरन को लेडो नाइट्स को तीसरा स्थान हासिल हुआ। रेस को 3 बार एक सुरक्षा कार द्वारा बाधित किया गया और 20 ड्राइवरों में 9 ने छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया। महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल कुशल अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। हालांकि नौकरी पोर्टल पर पंजीकृत कराने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसराइल ने 16 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। इसराइल ने 6 जुलाई 2020 को पाम हित एयरवेज से एक लॉन्च पैड की कक्षा में नए 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किए गए। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। यह 2017 में फ्लोरिडा के उड़ान भरने वाला स्पेस कॉस MOS-17 के बाद एक इजरायली उपग्रह का पहला परीक्षण है। भारत की पहली NPNT अनुरूप ड्रोन फ्लाइट A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ से लैंडलेस ड्रोन की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई। कर्नाटक के तुमकुर के पास DGCA द्वारा पहुंचाने गए ग्रीन जोन में उड़ान भरी और वह ऑनलाइन परीक्षण और अनुमति प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का चिन्हित करता है। क्विंटन डी कॉक ने क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता। क्विंटन डी कॉक क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार में क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया। 2017 के बाद उनका दूसरा सम्मान है। सीमित ओवरों में क्रिकेट के दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय टीम के कप्तान डी कॉक को टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। IIT रुड़की ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। IIT रुड़की ने AI इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया। 4 महीने का कार्यक्रम विली नेक्स्ट के साथ मिलकर बैंकिंग क्षेत्रीय कृषि बुद्धिमत्ता को लागू करने के लिए IIT पेशेवरों को स्नातकों को प्रशिक्षित करने में ध्यान केंद्रित करेगा। MyLab एक मशीन लॉन्च की। MyLab डिस्कवरी सॉल्यूशंस में COVID-19 के लिए RT-PCR परीक्षणों को सहित आणविक नैदान्तिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक मशीन लॉन्च किया। यह मशीन 13 जुलाई से प्री ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध है। ये थे दोस्तों आज का करंट अफेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।